आयरन की कढ़ाई हम सभी के घरों में यूज़ होती है, होना भी चाहिए क्योंकि इससे हमें आयरन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आयरन की कढ़ाई जो है वो दो तरीके की होती है, एक होता है प्योर आयरन, एक होता है कास्ट आयरन। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अनुपमा। सो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आयरन की कढ़ाई हम सभी के घरों में यूज़ होती है, हम सब जो है यूज़ करते हैं आयरन की कढ़ाई क्योंकि इससे हमें जो है आयरन मिलता है। सो बेसिकली आयरन की कढ़ाई और तवा बहुत सारे घरों में आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है और आप अगर इसमें सब्जी बनाते हैं, कोई भी चीज़ बना करके खाते हैं तो आपको आयरन भी मिलता है। और आयरन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दो तरीके के आयरन की कढ़ाई मार्केट में अवेलेबल है या तवा जो भी कहिए आप। सो फर्स्ट वन इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड अ प्योर आयरन। ये प्योर आयरन की कढ़ाई होती है जिससे जो कि प्योर आयरन की बनी होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है। द सेकेंड वन इज़ दिस कास्ट आयरन। इसको कास्ट आयरन की कढ़ाई कहते हैं क्योंकि ये इसमें जो है आपका आयरन के अलावा 4% कार्बन और सिलिकॉन को, एक्चुअली आयरन को मेल्ट करके उसके बाद इसमें कार्बन, सिलिकॉन और कुछ धातु को मिक्स करके इसको मोल्ड में भर करके इसको बनाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। सो चलिए मैं पांच तरीके बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है और एंड में बताऊंगी कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की ओर। सो गाइस, जो आयरन की कढ़ाई है इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि अगर ये गिर जाता है तो नहीं टूटता है। हालांकि बार बार गिरेगा तो ज़रूर टूट जाएगा, लेकिन एक दो बार गिरने पे ये नहीं टूटता है क्योंकि ये बहुत सॉलिड होता है। इनफैक्ट कास्ट आयरन जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। सो आपको उठाने में बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा ये। वैसे तो आयरन भी हैवी होता है बट ये उससे ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन ये जो है ये कढ़ाई जो है अगर एक बार भी गिरी तो ये टूट जाएगी। सो ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये वीक होती है प्योर आयरन की कढ़ाई से। सो अगर ये नीचे गिरी तो एक बार में ही टूट जाएगी। इसके सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं विच इज़ मेंटेनेंस। सो गाइज, मेंटेनेंस के लिए आपको दोनों ही कढ़ाई को वॉश करने के बाद प्रॉपरली इस तरीके से पोच करके ड्राई क्लॉथ से और इसमें हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको रखें, स्पेशली ये आयरन वाली कढ़ाई के लिए। आप ये देख सकते हैं ये वाइट है क्योंकि मैंने इसको ड्राई क्लॉथ से अच्छी तरीके से ड्राई करके, और आप इसमें हल्का सा ऑयलिंग भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने कोई ऑयलिंग नहीं लगाई है, लेकिन आप ऑयल करके रखते हैं तो उसमें रस्ट नहीं लगता है। अदरवाइज़ आपने गीला ही इसको ऐसे ही रख दिया तो उसमें रस्ट लग जाते हैं। सो फिर बाद में आप जब भी यूज़ करने जाएंगे ना तो आपको दोबारा से इसको वॉश करना होगा, ये प्रॉब्लम होती है। हालाँकि ये जो कास्ट आयरन की कढ़ाई है ना, इसको अगर आपने एक साल तक मेंटेनेंस कर लिया प्रॉपरली तो फिर आप नहीं भी करेंगे तो भी ये जो है मेंटेन रहेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया और कई बार मैं इसको बिना पोछे भी रख देती हूँ तो भी इसमें कोई रस्ट नहीं लगता है। सो मेंटेनेंस के मामले में मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि अगर हमने एक साल तक इसकी प्रॉपर केयर कर ली उसके बाद इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं और इसमें कोई रस्ट नहीं लगता, जबकि आयरन की कढ़ाई को अगर हमने प्रॉपरली बिना पोछे रख दिया तो उसमें रस्ट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो आयरन की कढ़ाई हो चाहे वो आयरन का तवा हो। ये आपने नोटिस किया ही होगा। सो हमेशा आपको जो है ना इसको एक सूखे कॉटन के कपड़े से, टॉवल से पोंछ करके और हल्का ऑयलिंग करके तब रखना चाहिए, इससे क्या है कि रस्ट नहीं लगता है इसमें। सो गाइज, मेंटेनेंस के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट की जो कढ़ाई है वो ज़्यादा सुटेबल है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। सो गाइज, हीट ऑब्जर्वेशन के मामले में जो आयरन की कढ़ाई होती है, प्योर आयरन की कढ़ाई, ये बहुत जल्दी हीट हो जाती है। सो अगर आप कोई ऐसा फूड बना रहे हैं जिसमें आपको हाई फ्लेम की ज़रूरत है तो आप प्योर आयरन की कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चाउमिन वगैरह बनाने में जो है प्योर आयरन की कढ़ाई को यूज़ किया जाता है हाई फ्लेम पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें खाने जलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपको हमेशा इसको लो फ्लेम करके ही बनाना चाहिए, खाने को पकाना चाहिए। इनफैक्ट कास्ट आयरन जो है ये आपने जैसे ही गैस की फ्लेम तेज की तो ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और मेंटेन कर लेता है। उसके बाद आपने अपने गैस की फ्लेम लो कर दी,
पर ये उतने पे ही मेंटेन रहेगा उस हीट पे, और आपका खाना प्रॉपरली जल्दी तैयार हो जाता है, आपकी गैस की भी बचत होती है, और खाना क्योंकि धीमी आंच पे बनता है तो खाना भी बहुत टेस्टी होता है। सो इस मामले में भी कास्ट आयरन ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से कर लेता है और इसमें खाना जलने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद ये वर्क करने लगता है एज अ नॉन स्टिक। सो कास्ट आयरन में खाना जलने के चांसेस कम हो जाते हैं, खाना चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं, साथ ही साथ खाना जल्दी बन जाता है जिससे कि हमारे गैस की भी बचत हो जाती है। तो इस मामले में भी कास्ट आयरन की कढ़ाई जो है ज़्यादा सुटेबल है। आयरन की कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा लगता है, कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें ऑयल हमको ज़्यादा मात्रा में लगता है, जबकि कास्ट आयरन में ऑयल जो है कम मात्रा में ही अगर हम डालते हैं तो भी हमारा खाना बहुत टेस्टी बनता है, अच्छे से बनता है और बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। सो अगर आप डेली की सब्जी वगैरह भी इन दोनों कढ़ाइयों में बना रहे हैं सो एक प्रॉब्लम है दोनों के साथ ही। सो गाइज़ अगर आप आयरन या कास्ट आयरन दोनों ही कढ़ाई में से किसी में भी आप अपना खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो इसमें एक आयरन का कलर जो है वो आता है सब्जी में, तो हल्का सा ब्लैक कलर जो है आपकी सब्जी में या जो भी चीज़ आप पकाते हैं वो दोनों ही कढ़ाई में, ये चीज़ है कि कलर उतना अच्छा नहीं आता है, तो कलर एक थोड़ा सा आयरन का कलर उसमें ऐड हो जाता है। सो गाइज़ ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि कास्ट आयरन की कढ़ाई जो है वो ज़्यादा बेटर है आयरन के कंपैरिजन इन माय ओपिनियन। सो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे जिनका कंफ्यूजन आज मैंने दूर कर दिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ गाइज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।